السلام عليكم. मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो आज कर्नाटक की हुकूमत ने कर्नाटक सूबे का सदर यानी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, जो अपनी सरकार के तरफ से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जश्न यानी उनकी पैदाइश मनाने के लिए मना कर दिए, आज जो सरकार के जो कामकाज पर ध्यान नहीं दे रही, तो आज हिंदू मुसलमान पर जो टीपू सुल्तान के नाम पर जो आदेश निकाला गया, जो टीपू सुल्तान की जयंती को रद्द किया गया, ये जो हमारी कर्नाटक की हुकूमत ने ये आदेश को जारी किया। मैं टीपू सुल्तान संघर्ष समिति तालुका रबकवी बनहट्टी का सदर महबूब बारीगड्डी, मैं इसके सिलसिले में दो बात कहना चाहता हूँ एक कर्नाटक हुकुम करने वालों को, हुकूमत करने वालों को मैं दो अल्फाज कहना चाहता हूँ। अरे भाई, हमारी जो पूर्वजनों यानी जो हमारे जो टीपू सुल्तान रहमतुल्ला अलैह के जयंती मनाने के लिए सरकार की आदेश थोड़ी ज़रूरत है, हम किसकी आदेश की ज़रूरत नहीं है। आप आदेश ना दें तो भी मनाएंगे, आप आदेश देंगे तो भी मनाएंगे, इस ज़रूरत किस बात की है भाई? हमको कुछ भी आदेश की ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो बनाने का मकसद, जो कर्नाटक की हुकूमत, जो BS येडियुरप्पा मुख्यमंत्री जो अपनी हुकूमत के तरफ से जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती मनाने का रद्द का आदेश दिया, रद्द का आदेश यानी हम रद्द का आदेश के हिसाब में नहीं बैठे हैं हम, आप आदेश देंगे तो मनाएंगे, नहीं देंगे तो भी मनाएंगे। भाई मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप इस मुद्दे पर ध्यान मत दीजिए। आप 4 महीने का वक्त आ गया, अक्टूबर नवंबर, नवंबर 10 या 11 तारीख को मनाने के लिए अब से शुरू कीजिए। टीपू सुल्तान जयंती मनाने के बारे में आज से शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।